Hi, this is Manish Sharma. Welcome to my YouTube channel. So start करते हैं Nifty and Bank Nifty analysis कल के session के लिए and we'll discuss the stocks as well. So मैंने आपको last video में clearly बताया था कि Bank Nifty Nifty में आपको short की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है. आज अगर आप intraday में देखो तो अगर आपने short किया है तो बीच-बीच में काफी अच्छा आपको dip मिला है Nifty में भी और Bank Nifty में भी. Nifty में भी और Bank Nifty में भी intraday में काफी अच्छा dip मिला हमें और last में 230 के बाद में एक न्यूज आया. न्यूज़ ये आया है कि गवर्नमेंट 20,000 करोड़ रुपीज़ का कैपिटलाइजेशन इन्फ्यूज कर सकता है. इसके कारण निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लास्ट मोमेंट पे पॉजिटिव हुआ है. बैंक निफ्टी खासकर आपने देखा होगा काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ पॉजिटिव हुआ और बैंकिंग स्टॉक में काफ़ी अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली है. अब एनालिसिस करते हैं कल के सेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है. अब अगर आप देखो ये हाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ये जो रेड कैंडल का हाई है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाई है. अब अगर ये क्रॉस कर लेता है तो ये जो फॉल था ये पूरा का पूरा फॉल निगेट हो जाएगा और जो मेजर ट्रेंड था अप ट्रेंड वो अप ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा. ठीक है. सो ये हाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा 11,570. अगर निफ्टी 11,570 क्रॉस कर लेता है तो आपकी कोई भी शॉर्ट पोजिशंस नहीं होनी चाहिए. लॉन्ग की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना है. शॉर्ट की पोजीशंस आपको स्क्वायर ऑफ कर लेनी है अगर 11,570 क्रॉस करता है तो. बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ हमें देखने को मिला क्योंकि जो न्यूज़ था वो बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ था. सो ऑब्वियसली बैंकिंग स्टॉक में भी ज़्यादा बाइंग हमें देखने को मिली है. अगर आप बैंक निफ्टी में देखो तो एक सिंपल ट्रेंड लाइन भी बनता है यहाँ पर और अगर ये क्रॉस करता है तो एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है. पॉसिबल टारगेट्स अब जो मैंने आपको अपसाइड के टारगेट्स पहले दिए थे वही वैलिड होंगे. 23,000 तक बैंक निफ्टी जा सकता है. सो 23,000 तक के टारगेट के लिए आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो. बैंक निफ्टी में शॉर्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि बैंक निफ्टी रिलेटेड न्यूज़ आ रही है और बैंक निफ्टी में भी ये रेड कैंडल का हाई मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर ये क्रॉस करता है तो 23,500 तक भी पॉसिबल है. अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स. मैंने आपको हीरो मोटो बाई दिया था. तो अगर आप देखो पहला ही कैंडल जो है वो 3051 का हाई बनाया है. ऑलमोस्ट वहीं पर ओपन हुआ था. इसमें हम लोगों ने ट्रेड लिया था 3040 के ऊपर बाय. थोड़ा सा एग्रेसिवली ट्रेड लिया था मैंने और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा इसमें ट्रिगर हुआ है 3033 पे. तो 7 रुपये का इसमें लॉस हुआ है हीरो मोटो में. इंफ्राटेल मैंने आपको सेल दिया था 199 के नीचे. इसमें सेल लेवल ट्रिगर नहीं हुआ. टाइटन मैंने आपको बाय दिया था 32 के ऊपर मैंने बाय दिया था. और अगर आप 15 मिनट का कैंडल देखो पहला ही कैंडल 1218 का इसने हाई बनाया है. टारगेट प्राइस के अराउंड ही ओपन हुआ तो इसमें हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लिया है. टाइटन हम लोग ने अवॉइड किया है. इंफ्राटेल सेल लेवल ट्रिगर नहीं हुआ है. हीरो मोटो में एक स्मॉल लॉस हुआ है. अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में आपको कौन से स्टॉक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है. सो सबसे पहला स्टॉक होगा बंधन बैंक. बंधन बैंक मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है. इसमें थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि एक अगर आप देखो एक काफ़ी शार्प फॉल आया था उसके बाद यहाँ पर एक साइडवेज मोमेंटम हमें देखने को मिला और आज अगर आप देखो बैंकिंग स्टॉक में हमें स्ट्रेंथ देखने को मिली है तो मुझे लगता है इसमें एक शॉर्ट कवरिंग मोमेंट देखने को मिल सकता है क्योंकि ये 300 के ऊपर क्लोज हुआ है. राउंड ऑफ नंबर के ऊपर क्लोज हुआ है. अगर यहाँ से कंटिन्यू करता है तो इसमें 315-320 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं. सो बंधन बैंक काफ़ी अच्छा बाय रहेगा. एग्जैक्टली कौन से लेवल पर बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा. नेक्स्ट स्टॉक होगा ICICI बैंक. ICICI बैंक में मुझे काफ़ी अच्छा बाइंग लग रहा है. ICICI बैंक का स्ट्रक्चर अगर आप देखो एग्जैक्टली सेम टू सेम बैंक निफ्टी जैसा है. अगर ये रेड कैंडल के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है. सो एग्जैक्टली कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा. लास्ट स्टॉक होगा गोदरेज प्रॉपर्टीज. इसका स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है क्योंकि अगर आप देखो ये कम्प्लीटली रेंज बाउंड है और ये लेवल जो है ये क्रॉस ही नहीं कर पा रहा. आप देख सकते हो बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है. आज का भी जो कैंडल है वो रेड कैंडल है. अगर आप देखो इसने प्रीवियस कैंडल में भी कोशिश किया था लेकिन वापस फेल हो रहा है और 900 के नीचे क्लोज हुआ है. सो मुझे लगता है इसमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है. एग्जैक्टली कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा. और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूँ बहुत जल्दी. सो आप ये मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना. इसमें बने रहना. 30 सितंबर के पहले इसमें एक बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है. एंड 30 सितंबर के पहले आप अलाइज ब्लू में अकाउंट ज़रूर खोल लेना ये लिंक के थ्रू. अगर आप ये लिंक के थ्रू अकाउंट खोल रहे हो तो आपको एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट मैं आपको देने वाला हूँ. तो 30 सितंबर तक आपके पास टाइम है. मेजर अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूँ. आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा. जिसका जिसका अलाइज ब्लू में अकाउंट है ये लिंक के थ्रू उनके लिए मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाला हूँ. तो ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना.
और आप ये लिंक के थ्रू अलाइज ब्लू में अकाउंट जरूर खोल लेना। जिनका अकाउंट होगा उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट अनाउंसमेंट होने वाला है 30 सितंबर के पहले मेरे टेलीग्राम चैनल में। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।